जनसंघ के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं पहुंच सके थे। बाद में जब उनकी हत्या की खबर पहुंची, तो सभी बदहवास हो गए। विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, संगठनकर्ता, पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना की अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके थे। बीच में ही मुगल सराय स्टेशन की यार्ड में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके द्वारा स्थापित बीज विचार आज विराट वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उनके बताए मार्ग पर चलने वालों की पूरे देश में सरकार है। 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय स्टेशन के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। 51 वर्ष पूर्व दीनदयाल जी का पटना प्रवास अधूरा रह गया था, लेकिन 51 वर्ष बाद उनकी स्मृति अब पटना में साकार होने वाली है। राजेंद्र नगर शाखा मैदान से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित एक पार्क में उनकी 52वीं स्मृति दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल व प्रचारक के रूप में उनके दायित्व का बोध कराने वाले संगठन महामंत्री नागेंद्र जी भी उपस्थित रहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित नगला चंद्रभान में हुआ था। वैचारिक अंतर के बावजूद दूसरे विचार वालों को पूरा सम्मान देने वाले दीनदयाल उपाध्याय आज़ादी के बाद भारत की राजनीति के अजात शत्रु माने जाने लगे थे। दिसंबर 1967 में कालीकट अधिवेशन में वे अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। एकात्मानववाद एवं अंत्योदय के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को पुनर्जागृत करने का यह वह प्रयास थोड़ा आहत हुआ, लेकिन दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करने वालों ने उस प्रयास को रुकने नहीं दिया, जारी रखा। आज उनका विचार भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन का आधार बना हुआ है।